तूने मेरा, मैं सेलिब्रिटी होकर इतनी स्ट्रांग होकर उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया। शैली को बताया, देख मैं पैसे कैसे उड़ाता हूँ, इसको इस्तेमाल करता हूँ। आदिल ने मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि आप मुझे सलमान से मिलाओ, शाहरुख से मिलाओ, कार्तिक आर्यन से मिलाओ, मुझे फिल्म फेयर में ले जाओ, मुझे यहाँ ले जाओ। शादी होने के बाद अगर तुम नहीं करोगी तो मैं सारी लड़कियों के पास जाऊँगा, तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी, तुम ऐसे ऐसे मतलब वीडियो बना के तुम्हें देखोगी, तुम पागल हो जाओगी, मेंटली पागल खाने में चली जाओगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। तूने मेरा, मैं सेलिब्रिटी होकर इतनी स्ट्रांग होकर उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया बार बार तलाक का धमकी देकर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं बतानी चाहिए कि सब्सटेंस बूस्टर वो पीकर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं पुलिस ने वो सब कुछ उनके ड्रॉअर में से निकाल कर लेकर गए, पुलिस के पास सारे प्रूफ है, मेरा मेडिकल भी किया गया है, उसमें वो सारी चीज़ें आ गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ, मैं इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ, कभी धोखा ना खाने वाली, कभी ठोकर ना खाने वाली, मेरे साथ ऐसा आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड ने किया है, तो हिंदुस्तान में और कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने किया। मैं लंदन गई थी 7-8 दिन के लिए, दुबई में मेरा एक हाउस है जो मेरे नाम पे ही है और जिसकी मैं EMI भरती हूँ। इन्होंने मुझे कहा तुम दुनिया को बोलो कि ये घर मैंने तुम्हें दिया है। मैं बोली मैं क्यों बोलूँ जब मेरी EMI जाती है, नहीं तुम बोलो मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा तो तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम मुझे इस अवार्ड में ले चलो, तुम मुझे फिल्म बनाओ, तुम मुझे वीडियो में करो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, तुम मेरे लिए नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो मैंने कहा कि मैं, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हो, मैं कैसे बिलीव करूँगी, क्योंकि मुझे शैली ने बताया कि मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए आए थे मेरे इंश्योरेंस के, तो उन्होंने बताया कि उसको पता चला 70 लाख तेरे आए हैं, तो उन्होंने शैली को बताया देख मैं पैसे कैसे उड़ाता हूँ, इसको इस्तेमाल करता हूँ।